तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2 11 से 18 तक। प्रभु मूसा से बोला, इसराइलियों के सारे समुदाय से ये कहो, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो, मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राण दंड दिलाओ, मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो। ना तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे, तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य, प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे सादे हैं, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वह आँखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य, प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वह सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य, प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वह सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य, प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, ये मुक्ति का दिन है। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्ग दूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा
तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की। तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगने जाओगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।